हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा में जाने के लिए एग्जाम देनी रहती। आप सभी को पता है वो आईएलएस एग्जाम होती है। आईएलएस एग्जाम में कनाडा में एडमिशन लेने के लिए आपके 6 बैंड होने चाहिए। उससे ऊपर होंगे तो वैसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर 6 पॉइंट से नीचे 5.5 या 5 बैंड आते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि 5 या 5.5 बैंड होते हैं तो वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे 60-40% एडमिशन मिलने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और वहाँ पे आपको एडमिशन्स लेने के लिए आपके एजुकेशन एलिजिबिलिटी 10, 12 और एनी ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो फिर चलिए हम आगे बात करते हैं कनाडा की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में, जिसका लिस्ट है यहाँ पे। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो टोरंटो ओंटारियो में है। सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो वैंकूवर एंड ब्रिटिश कोलंबिया में है। थर्ड वन मैकिल यूनिवर्सिटी, जो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक में है। फोर्थ वन मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, जो हैमिल्टन और ओंटारियो में है। एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, जो मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षित। हमने आपको कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटीज और अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि इन यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स है जो ऑन डिमांड है। तो हम आपको ऐसे 5 कोर्सेज के बारे में जानकारी देंगे कि जो अभी के माहौल में सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड है। 1 बिजनेस और फाइनेंस, 2 नर्सिंग, 3 डेंटिस्ट, 4 इंजीनियरिंग और 5 फार्मेसी। तो अब हम बात करेंगे कैनेडा जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा एसेंशियल है कि जिसके बिना आप कैनेडा विजिट नहीं कर पाओगे। पहला, वैलिड पासपोर्ट। दूसरा, प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द इंस्टीट्यूट। तीसरा, प्रूफ ऑफ फंड्स। चौथा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पांचवा, इमिग्रेशन मेडिकल एग्जामिनेशन। छठा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम स्कोर। सातवा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और आठवा, क्रेडिट कार्ड, जो कि ऑप्शनल है। अब आपको सवाल होगा कि कनाडा में फ्री यूनिवर्सिटीज है। तो कनाडा में फ्री यूनिवर्सिटीज नहीं है, बट वहाँ पे आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, ताकि आप आपका एजुकेशन कम खर्चे में कर सकते हो। तो चलिए, आप सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी में हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, तो अब हम बात करते हैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटी, जो अब सभी के लिए ईजी हो जाता है एडमिशन लेना। उसके अंदर सबसे पहली यूनिवर्सिटी है मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड, सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, थर्ड वन इज रॉयल रॉल्स यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ वन यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केटचवान। अब आपका क्वेश्चन होगा, कैन आई वर्क व्हाइल स्टडी इन कनाडा? इफ यस, देन हाउ मेनी आवर्स? तो जी हाँ दोस्तों, आप कनाडा में स्टडी के दौरान काम कर सकते हो और आपको कैनेडियन गवर्नमेंट 20 आवर्स अ वीक काम करने की परमिशन देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।